ये देखो शाकाल, ये हमारा शाकाल है। ये है मिस्टर लक्की जी। सवेरे सवेरे रोजी रोटी दो। हाय हाय, खड़े हो गए ऐसे। नहीं नहीं, मैं लगाऊंगी, सौतेली माँ नहीं करती कुछ भी। हाँ ओरिजिनल माँ ले आओ दी। वेलकम बैक मान्या व्लॉग्स। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, अदाब, नमस्ते एंड केम छो। स्पेशल हेलो टू ऑस्ट्रेलिया एंड नमस्ते उत्तराखंड। तो आज मैं एक्चुअली अपसेट हूँ और सेम ऐसे ही अपसेट मैं आज से कुछ 6-6.5 साल पहले भी हुई थी। मैं आपको बताऊंगी क्यों, लेकिन अभी आफ्टरनून हो गई है और घर पे है सिर्फ अल्तमश और मैं। तो अभी जल्दी से पहले मैं लंच कर लेती हूँ और थोड़ा सा फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि आज घर पे अकेले हैं तो मैंने सोचा है कि चलो मान्या फैशन के लिए भी शूट कर लूँ। सो पहले लंच करते हैं, फिर मिलते हैं। आज लंच बहुत ज़्यादा सिंपल किया, सिर्फ दाल और राइस खाया था और ब्रेकफास्ट में अल्तमश और मैंने खाया था पराठा और भिंडी की सब्ज़ी। तो ठीक है, आज मज़ा आया दाल राइस खाने में और वो भी कच्चे आम के साथ। वैसे मुझे पता है आप सब पूछने वाले हों कि दीदी ये ड्रेस कहाँ से लिया। तो ये कॉटन प्योर चिकनकारी का ड्रेस है जिसका रिव्यू मैं शेयर कर चुकी हूँ मान्या फैशन पर, और जहाँ पर कॉमेंट स्टार्ट होते हैं वहाँ मैं लिंक पिन कर दूँगी। सो प्लीज़ मेरे मान्या ब्लॉग्स के भी सब्सक्राइबर्स मान्या फैशन पर विजिट करें और वीडियो जाकर देखें। सिर्फ 5.5 मिनट की है, लेकिन सिर्फ 800 में आपको 1600 वाली कुर्ती मिल रही है। तो वीडियो को चेकआउट करना, मुझे कॉमेंट करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए नीचे चलते हैं, यहाँ धूप बहुत ज़्यादा आ चुकी है और वैसे भी आज मैंने नीचे बिल्कुल भी डस्टिंग नहीं किया है। तो वो करते हैं, बैठते हैं और उसके बाद बातें करते हैं जब तक आई थिंक लकी आ जाए। रात होने तक तो आ ही जाएंगे। एक्चुअली आज लकी आउट ऑफ गए 500 किलोमीटर दूर,
मुझसे पूछा था उन्होंने, मैंने कुछ कहा नहीं और फिर कहा जाओ, तो वो सही में चले गए। तो बस मैं थोड़ा सा अपसेट हूँ कि इस टाइम पे उन्होंने नहीं जाना चाहिए था। एक्चुअली अल्तमश के वक्त भी ऐसा ही हुआ था, लकी ने कुछ दिन पहले बहुत अर्जेंट मीटिंग थी तो हैदराबाद चले गए थे और सेम डे मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ गया था और लकी यहाँ नहीं थे। तो बस लकी वहाँ पहुँचे और ड्राइवर वो लोग सब थके हुए थे तो उनको ड्राइवर हायर करके तुरंत निकलना पड़ा। अभी होटल लिया भी नहीं और उनको निकलना पड़ गया था। तो मेरा कहना था कि चलो आसपास ठीक है 500 किलोमीटर, लेकिन चले गए। ज़रूरी था, इतना भी नहीं था पर था, मेरा ख्याल ज़रूरी था, इतना भी नहीं था, था इतना भी नहीं था, क्या बोल रही हूँ मैं तो बस अब मैं शूट करती हूँ मान्या फैशन के लिए। एक्चुअली मुझे साड़ीज के शूट करने हैं, बनारसी और सिल्क साड़ीज के। तो मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे शूट्स जो है वो स्टार्ट कर दिए हैं मान्या फैशन के लिए। तो प्लीज़ मान्या फैशन को आप ज़रूर 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 चेक करना, सब्सक्राइब भी करना, वीडियोस भी देखना। और मेरा अल्तमश फ्रेश हो गया है, आई थिंक वो नीचे उतर रहा है। अम्मू मैं आ जाऊँ? हाँ मैं आ जाती हूँ। ये देखो मेरा अल्तू नाउ नाउ कर लिया है, मेरे अल्तमश ने, मेरे अल्तू बेबी ने, और ये मेरे अल्तमश के न्यू न्यू स्लीपर। सो मेरा अल्तू बिल्कुल फ्रेश हो गया है देखो, और अच्छे से फ्रेश होने के बाद अब मेरा अल्तू के लिए डैडी आज एक बहुत अच्छी चीज़ लेके आ रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे अब थोड़ी देर के बाद। ये देखो मेरे अल्तू के लिए डैडी ने एक बहुत प्यारा सा, तो एक्चुअली देखो ये सिटिंग और स्लिपिंग जो झूला आता है वो है, देखते हैं कैसा है, डैडी लेकर आए, इसे ओपन करते हैं। ये देखो लकी ये बहुत ही क्यूट सा झूला लाए। अच्छा हाँ, बेबी लोग बैठ सकते हैं, अल्तू भी बैठ के इसमें खेल सकते हैं, दोनों तक रह सकते हैं। क्या बात कर रहे, ओनली 10 kg। जो हमने अपने लिए सिंपल दाल राइस बनाए थे वही खा रहे हैं वो, मुझे लगा था रात हो जाएगी बट मगरिब के टाइम पर आ गए। और देखो बादल कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, मेरे कैमरा पे कैप्चर हो गए। हमें पानी पूरी खाना मन कर रहा है ना अल्तमश? तो लकी आज गए थे अर्ली मॉर्निंग और अभी आ गए और जब लकी आए मैं बढ़िया मेकअप वेकअप करके खड़ी, लकी बोलता है कमीनी लकी इतनी स्पीड में गए, इतनी स्पीड में आए बेचारे और मैं बढ़िया मस्त सुबह से ये रुके ही नहीं कहीं, पता है देखो 500 किलोमीटर जाके 6 बजे गए और 5:30 बजे तक आ भी गए। मैंने बड़ा सबको ऐसे बड़ा इमोशनल होके बोला, मैंने कहा देखो लकी गए जाना चाहिए क्या तो मैंने बोला मैं बहुत अपसेट हूँ, लकी ने मेरे को बोला, मैंने अपने फ्रेंड को ना इधर से इधर ही रखा था, कुछ फोन आएगा तो तुरंत पहुँचना करके पता है छोड़ो रमी कुछ हमारा दूध वाला अभी तक नहीं आया और मॉर्निंग में कुछ सब्जियां बहुत सा सामान आया था वो ऐसे ही रखा हुआ है, अब गुप्ता जी आएंगे अंदर लेके जाएंगे। और बस मगरिब पूरी हो चुकी है, चलिए अब अंदर चलते हैं, फ्रेश होते हैं। और मैंने अभी तक मान्या फैशन के लिए शूट नहीं किया तो अब मैं शूट करती हूँ, ये व्लॉग को यही ख़त्म करती हूँ और मान्या फैशन के शूट्स करके कल एक न्यू व्लॉग स्टार्ट करूँगी, न्यू अपडेट दूंगी इंशाल्लाह। आप मुझे दुआओं में याद रखें, आप सारे मेरी दुआओं में हैं। मैं बहुत टायर्ड हूँ, बहुत ज़्यादा टायर्ड, मैं सोच रहा हूँ अभी सो जाऊँगा तो पूरी रात जागूंगा, इसलिए मैं अभी वेट कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।